गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपका हिंदी रीडर का लेसन 3 है। लेसन का नाम है नीति। मैं आपको रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ओके बच्चों, देखते हैं। देखिए, नीति के दो बच्चे थे, कृति और हेमंत। वह दोनों बच्चों के साथ छत पर खड़ी थी। उसने वहां एक कौवे को देखा। नीति ने रोटी के दो टुकड़े किए और छत पर बिखेर दिए। कौवे ने रोटी के टुकड़े देखे, उसने काव काव चिल्लाकर अपने साथियों को आवाज लगाई। आवाज सुनकर आसपास के कई कौवे इकट्ठे हो गए। वे भूखे थे, सभी मिलकर रोटी के टुकड़े खाने लगे। तो क्या बताया इस पैर में? ये बताया है कि नीति है, उसके दो बच्चे हैं, उसका नाम, एक का नाम है कृति और एक का नाम हेमंत। वे अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ गई? छत पर गई, और छत पर जाकर उसने रोटी के दो टुकड़े किए और बिखेर दिए। तो कौवे ने क्या किया? रोटी के टुकड़े देखे और उसने काव काव चिल्लाकर अपने साथियों को भी आवाज दी, और उसकी आवाज सुनकर आसपास के कौवे भी इकट्ठे हो गए और वे भूखे थे, सभी मिलकर वे रोटी के टुकड़े खाने लगे। अब आगे देखती हूँ। हेमंत ने माँ से पूछा, माँ कौवे ने काव काव क्यों की थी? अब आगे देखते हैं। देखिए, माँ ने कहा, बेटा वह अकेले रोटी नहीं खाना चाहता था, वह चाहता था कि दूसरे कौवे भी उसके साथ रोटी खाएं, इसलिए उसने काव काव कर अपने साथियों क्या बताया? माँ ने कहा कि बेटा वह अकेला रोटी नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसने दूसरे कौवे को बुला लिया ताकि वो साथ में रोटी खाएं, इसलिए उसने काव काव कर अपने साथियों को बुला लिया। अब आगे कृति ने पूछा, माँ तो क्या हमें भी अकेले नहीं खाना चाहिए? नीति ने कहा, हाँ बेटी, मिलकर खाने में जो आनंद है वह अकेले खाने में नहीं। कृति, माँ अब से मैं भी अकेले कभी नहीं खाऊंगी। हेमंत, माँ मैं भी अकेले नहीं खाऊंगा। नीति, बच्चों हमें हर चीज मिलकर बांटकर ही खाना चाहिए, चलो पिताजी को भी छत पर बुला लाओ, साथ ही मिठाई का डिब्बा भी लेते आना। तो इस पैर में क्या बताया? इसमें बताया गया, कृति ने पूछा कि माँ क्या हमें भी अकेले खाना खाना नहीं चाहिए? तो क्या इसमें बोला था उसकी माँ ने कि नहीं, हमें भी मिलकर खाना खाना चाहिए, मिलकर खाना खाने से आनंद आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये सबने मिलकर मिठाई खाई। हेमंत और कृति आज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने आज सीखा कि हर चीज मिलकर बांटकर खाना चाहिए। तो बच्चों, आपने ये स्टोरी सुनी, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कुछ हो, खाएं कुछ भी करें, हमें मिलकर ही खाना चाहिए। ये नहीं कि अब कोई चीज हमारे पास है, हमें अकेले खाएं, नहीं, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बहन भाई के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ही हमें खाना चाहिए। और कोई भी अगर कार्य भी अगर करें, ये तो खाने का एग्जांपल दिया गया है, कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो वो भी हमें मिलकर ही करना चाहिए। कोई भी सुख दुख कैसे भी हो, अगर हम मिलकर करेंगे तो जो परेशानी होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है। तो हमें मिल बांट कर ही खाना चाहिए। अब मैं आपको इस लेसन के कठिन शब्द दिखा रही हूँ आपको, ये आपको होमवर्क में करने हैं। और मैं आपको ये शब्द अब दिखा रही हूँ, ये भी आपको होमवर्क में करना। देखिए, ये कठिन शब्द है, दिख रहे हैं आपको, मैं रीड कर रही हूँ। बच्चे कौवे काव काव चिल्लाकर साथियों इकट्ठे आनंद खाऊंगी बांटकर मिठाई। ये आपके कठिन शब्द है। और ये देखिए शब्द दिए गए, वर्ड मीनिंग, इकट्ठे जमा कलेक्ट पसंद चाहना लाइक। तो ये आपके कठिन शब्द हैं और ये आपके शब्द अर्थ हैं। आपको ये हिंदी रीडर की कॉपी पे साफ साफ करने हैं और इनको याद भी करना है। और बाकी के इस लेसन की एक्सरसाइज मैं आपके लिए अगली क्लास में कराऊंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।